उत्तर प्रदेश में 60,244 पदों के लिए शुक्रवार से यूपी पुलिस भर्ती की पुनः परीक्षा शुरू हो रही है, लेकिन गोरखपुर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां पुलिस ने महिला कांस्टेबल सहित 4 लोगों को हिरासत में लिया है। आरोप है कि इन लोगों के पास से 5 अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र मिले हैं। गोरखपुर में पुलिस भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी की आशंका के चलते एसटीएफ ने श्रीवास्तवी जिले में तैनात महिला कांस्टेबल सहित 4 लोगों को हिरासत में लिया है। यह कार्रवाई तब तक की गई जब तक कांस्टेबल के मोबाइल में 5 प्रवेश पत्र पाए गए। हालांकि अब तक पुलिस और एसटीएफ की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार महिला कांस्टेबल बासगांव कस्बे की रहने वाली है। गोरखपुर के बासगांव इलाके से पुलिस ने पिंकी सोनकर और देव प्रताप सिंह को भी गिरफ्तार किया है। इस बीच परीक्षा के मद्देनजर गोरखपुर में ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है। गोरखपुर पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि भारी वाहनों के लिए 23 अगस्त से 31 अगस्त तक दोपहर 12 बजे से 14 बजे तक खुलने वाली नो एंट्री नहीं खुलेगी। रोडवेज तिराहा से पुलिस लाइन तिराहा की तरफ आने वाली रोडवेज बसों को भी प्रबंधित कर दिया गया है और उन्हें रोडवेज तिराहा से महाराणा प्रताप की मूर्ति की तरफ डाइवर्ट किया गया है। इसके अलावा रोडवेज बस डिपो से वाराणसी और लखनऊ जाने वाली बसें विश्वविद्यालय चौराहा, मोदीपुर चौराहा, पैडलीगंज, टीपी नगर चौराहा होते हुए अपने गंतव्य की ओर आगे जाएगी। अग्रसेन तिराहा ने जुबली तिराहा और बख्शीपुर चौराहा की तरफ ई रिक्शा और ऑटो भी प्रतिबंधित रहेंगे और इन्हें अग्रसेन तिराहा से टाउन हॉल कचहरी चौराहा होकर भेजा जाएगा। इस प्रकार यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा के दौरान संभावित गड़बड़ियों को रोकने के लिए प्रशासन ने कड़े कदम उठाए हैं, लेकिन इन घटनाओं ने परीक्षा प्रक्रिया और उनमें शामिल लोगों की ईमानदारी पर सवाल खड़े कर दिए हैं।